हाय एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है आंवला कैंडी की। आप देख सकते हैं कैंडी हमारा कितना टेस्टी बनके तैयार हुआ है। इसे खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, तो आइए इसे बनाते हैं। कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम आंवला। इसे हम बॉईल करेंगे, तो हम उबलते हुए पानी में इसे डालेंगे। अब पानी में आंवला को डाल देंगे और ढक के हम 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे। मैंने इसे ढक के उबलने के लिए छोड़ा था। अब ये बढ़िया से उबल चुका है। हम गैस से नीचे उतार के इसे पानी से अलग कर लेंगे। आंवला को मैंने पानी से अलग कर लिया है। अब हम इसे हाथ से दबा के इसका बीज निकाल लेंगे। हम इसी तरह से सारा आंवला के बीजों को निकाल के अलग कर लेंगे। आंवला को मैंने बीज से अलग कर लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। पीसने के लिए हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। आंवला अब पिसा चुका है। अगर ये नहीं पिसा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते हैं। अब इसे पकाएंगे। अब ये पिसा हुआ आंवला को पैन में डाल देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आंवला को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और गुड़ को थोड़ी देर पकाएंगे ताकि बढ़िया से मेल्ट हो जाए। गुड़ अब मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, 1 छोटा नींबू का रस, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा अजवाइन भून के पीसा हुआ, और सभी चीजों को मिला लेंगे। सभी मसाले वगैरह आपस में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सादा नमक। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते हुए ड्राई होने तक पकाएंगे। ये मिक्सचर अब ड्राई हो चुका है। अब ये कैंडी बनाने के लिए तैयार है। हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। मैंने पका हुआ आंवला को गैस से नीचे उतार के प्लेट में रख के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है। हम थोड़ा सा इस मिक्सचर को हाथ में उठाएंगे और हल्के हाथों से इसे कैंडी का शेप में बना लेंगे। हम इस तरह से छोटे छोटे गोल गोली के शेप में बना लेंगे। सारा कैंडी मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इसे दिन भर के लिए धूप में रख देंगे। कैंडी को धूप में रखे हुए दिन भर हो चुका है। मैंने कैंडी को धूप में इसलिए रखा था ताकि इससे चिपचिपापन हट जाए। आप देख सकते हैं इसमें एक भी चिपचिपापन नहीं है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ चीनी। अब हम चीनी पाउडर को कैंडी में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। चीनी पाउडर बढ़िया से कैंडी में कोट हो चुका है। अब इसे इस तरह से निकाल के एक कटोरी में रख लेंगे।
अगर आप इस तरह से कैंडी बनाएंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसे किसी समय भी खा सकते हैं, बड़े बच्चे सभी इसे खाना पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी ये कैंडी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।